आगरा में रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है। रक्षाबंधन पर भाई कहीं भी हो, बहनें राखी बांधने के लिए किसी भी तरह कहीं भी पहुंच जाती हैं। यही नजारा है आगरा के जिला जेल का, जहां पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल तक पहुंच गईं। सुबह से ही अपने बच्चों के साथ आगरा जिला जेल के बाहर कतार लगाकर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए शुक्रवार को 1800 से भी अधिक महिलाएं पहुंची, क्योंकि 2 साल से कोविड-19 के कारण कई बहनें अपने भाइयों की सुनी कलाई पर राखी नहीं बांध पा रही थी। यही वजह है कि इस बार रक्षाबंधन पर अत्यधिक बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए पहुंची। जिला कारागार आगरा में आज सुबह 7 बजे से ही रक्षाबंधन की मुलाकात प्रारंभ करा दी गई थी। इसके लिए पुलिस लाइन से हमने एक्स्ट्रा फोर्स मंगाया था। मुलाकात की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि यहाँ जो पर्ची कटती थी वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, दिक्कतें होती थी, तो अंदर ही हमने पिटीशन राइटर और 10-15 बाबुओं को लगा के पर्ची काटने की व्यवस्था की। रात 7 बजे से महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ कर दिया था। आईडी और आरटीपीसीआर नेगेटिव या डबल वैक्सीन होने पर इनकी मुलाकात की अनुमति दी गई। लगभग अभी तक 6 बैचों में महिलाएं 1800 आ चुकी हैं, 700 बच्चे आ चुके हैं। अभी मुलाकात हो रही है, अगर अभी और भी कोई महिलाएं आएंगी तो मुलाकात जारी रखी। कल भी रक्षाबंधन, तो कल कितनी आएंगी? कल क्योंकि जनरल मुलाकात थी, जनरल मुलाकात में 450 महिलाएं आई थी, 205 पुरुष आए थे। कुछ महिलाएं घीवर लेकर आई थी, और घीवर आगरा का फेमस। हमने पहले से ही प्रेस के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था कि खाली सोन पपड़ी और रोली की अनुमति दी जाएगी, पैक्ट वाले वही आ रही है, वही अलाउ करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा महिलाएं राखी बांधने की, पिछले साल की अपेक्षा जो है महिलाएं ज्यादा हैं। पिछले साल 1582 महिलाएं आई थी, इस बार क्योंकि कोविड का पिछले साल था, खुली हुई थी, तो इस बार ज्यादा मुलाकात आई। मुझे आशा है कि 2000 से ऊपर हो जाएगी।